चीन को अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा है। चीन को अब पाकिस्तान में अपने नागरिकों की हत्या का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के दो इलाके अब चीन के लिए मर्डर जोन साबित हो रहे हैं। देखिए, कह दिया है कि अब चीन को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा। जिनपिंग ने कह दिया है कि अब उन्हें शहबाज शरीफ की सरकार पर भी भरोसा नहीं है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर भी यकीन जीरो हो गया है। शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में भेज दी है अपने खास जासूसों की टीम। पाकिस्तान में चाइनीज जासूस क्या करने वाले हैं, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जानकर पूरी पाकिस्तानी हुकूमत के होश उड़ गए हैं। जिस चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की कसम कराची से लेकर लाहौर और रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक खाई जाती है, उस कसम की चीन ने धज्जियां उड़ा दी हैं। 7 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले के बाद उसे पाकिस्तान पर यकीन नहीं रहा। इस हमले में चीन के 2 इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग जख्मी हुए थे। दोनों चीनी इंजीनियर पाकिस्तान में ही काम कर रहे थे। यह ऐसा हमला था जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। इस हमले को देखकर पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ में जी रहे हैं। उन्हें इमरजेंसी में चीनी दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर हुए आत्मघाती हमले की जांच के लिए चीन ने अपने जासूसों की एक टीम पाकिस्तान भेजी है। साथ ही चीन ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एक इमरजेंसी आदेश भी भेजा है, जिसमें उसने अपने नागरिकों से खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान की यात्रा न करने को कहा है। दरअसल चीन पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद टेंशन में है और अब उसे लगने लगा है कि अब पाकिस्तान में मौजूद उसके नागरिकों के बाद उसके तमाम प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त चीनी नागरिकों का किलर जोन बन चुका है। पहला किल जोन है बलूचिस्तान, यानी वो जगह जिसने पाकिस्तान से दशकों से बगावत की हुई है। दूसरा है केपीके, यानी खैबर पख्तूनवा, जो अब चीनी नागरिकों का मर्डर जोन बन चुका है। चीन का ऑर्डर है कि उसके नागरिक पाकिस्तान में इन दो जगहों पर ना जाएं। इस ऑर्डर की वजह है ये वीडियो, जो पाकिस्तान के अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया है। कराची में जिसने आत्मघाती हमला किया, ये वही हमलावर है। BLA का दावा है कि इस हमलावर का नाम शाह फहद है, जो BBA कर रहा था। इसकी धमकी देखकर न सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि शी जिनपिंग और उनकी तमाम सुरक्षा एजेंसियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। जो इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलेटरल डैमेज हुआ है। उसको हम अभी मजीद असर्टेन कर रहे हैं कि इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट या कोई और एलिमेंट जो है तखरीबकारी का, वो किस हद तक है, जिसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। कराची में हुए ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान में चीन का दूतावास कह चुका है कि इस धमाके में चीन के इंजीनियरों को टारगेट किया गया है, जो सिंध प्रांत में एक पावर प्रोजेक्ट में शामिल थे। कराची एयरपोर्ट के करीब BLA का आत्मघाती हमला तब हुआ है जब पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। संगठन के बाकी सदस्य देशों का भी शीर्ष नेतृत्व इस मीटिंग में आएगा। सवाल है कि जब हमले कराची जैसे बड़े शहरों में हो रहे हैं, तो चीन ने खैबर पख्तूनवा को ही चीनी नागरिकों के लिए नो गो जोन क्यों बनाया? बलूचिस्तान को ही चीनी नागरिकों के लिए नो गो जोन क्यों घोषित किया? क्या पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर जैसे शहर चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षित हैं? वैसे इसी खतरे को देखते हुए शी जिनपिंग ने अपने जासूसों की टीम पाकिस्तान भेजी है और ये बात साफ है कि अब उसे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं रह गया। माना जा रहा है कि चीनी जासूसों की टीम पाकिस्तान इसलिए भी आई है क्योंकि अगले सप्ताह चीन के प्रधानमंत्री पाकिस्तान आने वाले हैं और पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर चीन बेहद टेंशन में है। ऐसे में वो हाई प्रोफाइल दौरों को लेकर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान की सेना पहले ही बहुत दबाव में है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर अब अपने फौजियों के जनाजे उठाकर थक चुके हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तान की फौज का किल जोन बन चुका है और यहाँ 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद पूरा रावलपिंडी हेडक्वार्टर दहशत में है। 5 अक्टूबर को हुए इस हमले में पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल की भी मौत हुई थी।
इससे पता चलता है कि पाकिस्तान अपने पश्चिमी बॉर्डर पर जब खुद को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है तो वो चीनी इंजीनियरों को कैसे बचाएगा। चीन के तेवर और उसका गुस्सा देखकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। चीन को मनाने और उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए अब पाकिस्तान फर्जी एनकाउंटर वाली साजिश भी रच रहा है जो खुलेआम एक्सपोज भी हो रही है। प्रेशर में पाकिस्तान ने चीन को खुश करने वाली एक खूनी साजिश रची। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने चीन को अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए उन दो आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया जो 14 जुलाई 2021 को चीनी इंजीनियरों की बस पर हुए हमले में शामिल थे। इसमें एक था मोहम्मद हुसैन और दूसरा था अयाज। दोनों को 2022 में मौत की सजा सुनाई गई थी। दोनों को साहिवाल जेल ट्रांसफर करने के नाम पर खत्म कर दिया गया। ये सवाल पाकिस्तान में उठने लगे हैं। आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान की पुलिस ने फिल्मी अंदाज में इनका एनकाउंटर किया है। पुलिस का कहना है कि जब आतंकियों को जेल ट्रांसफर किया जा रहा था तब तहरीके तालिबान आतंकी संगठन ने पुलिस वैन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों आतंकी इस दौरान मारे गए जबकि उनके साथ चल रही दूसरी जेल वैन में बैठे पुलिस अधिकारियों का इस हमले में बाल भी बाका नहीं हुआ। पुलिस वैन पर हुई इस तरह की गोलीबारी और इस हमले की टाइमिंग साथ में दोनों आतंकियों की मौत ने पाकिस्तान की पूरी हुकूमत को मजाक बनाकर रख दिया है। पाकिस्तान पुलिस की कहानी भी कुछ अजीब सी है। उसके मुताबिक चीनी इंजीनियरों की हत्या में शामिल तहरीके तालिबान पाकिस्तान के इन दो आतंकवादियों को जब जेल वैन में एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में उन पर आतंकवादी हमला किया गया और इस हमले के दौरान ये दोनों आतंकवादी मारे गए। दिलचस्प बात यह है कि जेल वैन में बैठे दूसरे पुलिस वालों या दूसरे आतंकवादियों को खरोंच तक नहीं आई। ऐसे में माना जा रहा है कि यह पूरी की पूरी मुठभेड़ फर्जी थी और इसे केवल चीनी प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए गढ़ा गया था। अब इस एनकाउंटर को आईएसआई का चीन को तोहफा माना जा रहा है लेकिन चीन कोई चांस नहीं लेना चाहता। चीन को मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जहां बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान और चीन दोनों को बड़े दुश्मन के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में चल रहे चीन के प्रोजेक्ट जिसमें CPEC भी शामिल है वह बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान के रहमो करम पर है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।